बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। राम हरेश, राम हरेश, जाओ कोई डॉक्टर बुला लाओ, महाराज की तबीयत बहुत सीरियस हो चुकी है। जी हाँ, बाप रे बप्पा साले हरा दादे। डॉक्टर आए नहीं आए? हाँ मरीज ही है क्या? हाँ हाँ मरीज ही है, चेक करा था। बताइए बोलिए महाराज। डॉक्टर ने आके चली गई, कुछ बता के भी नहीं गई, क्या बात है महाराज? राम भरोस गया है, जो भी कुछ होगा वो स्वयं मानता है। राम भरोस, राम भरोस, आखिर क्यों रो रहा है, क्या बात है? क्या है बाबू? क्या है? जब महाराज जीवित रहने तो हम हाउल चापी। राम भरोस, ये बताओ महाराज को क्या हुआ? महाराज जब रहने न बाबू तब हम चापी ली। अरे साले तू पागल हो गया है, उसे चापी नहीं उसे काफी बोला जाता है। ये क्या है? तेरी की मुंह मंगन कह ले। राम भरोस पहले ये बता महाराज को हुआ क्या? ये पहले मुंह मंगन और वाल। अरे साले सिर्फ अपनी कहेगा कि मेरी भी कुछ सुन ले, बता महाराज क्या हुआ? महाराज की साले पागल क्या किया गया महाराज की? राम भरोस साफ साफ बताओ महाराज को क्या हुआ? क्या है महाराज की? अरे साले घियो घियो लगा रखे तो कुछ बोलेगा, ये बता कि महाराज को क्या हुआ? महाराज मर गए। राम भरोस, महाराज के चंद मेरे बीमार हुआ नहीं हुआ? जब तक महाराज पूरी दुनिया को छोड़कर चले गए, बड़ी सोच की बात है। राम भरोस, इतने में अच्छे महाराज कहाँ मिलेंगे? अरे पंचो हासन, अरे साले पागल, इधर महाराज पूरी दुनिया को छोड़कर चले गए और तुम्हें साले हासी सुझाई पड़ रही है? अरे पंचो जाने जाने चंद मिनटों में क्या हो गया?
उठिए पिताजी, कुछ तो बात कीजिए पिताजी, और किस बोल रहे हैं पिताजी। अरे भैया भैया अरे Yeah.
सासी को हुआ क्या? महाराज ये बाबू अब रोले थोड़े ना काम गई, जितना पहले लाश रही उतना लोन की दिक्कत। हाँ रामहर्ष, यही बात मैं ही समझ रहा हूँ कि जो होना था सो हो गया। ले चलते हैं महाराज का अंतिम संस्कार करते हैं। हाँ ले चल, उठाओ उठाओ। रामहर्ष जिसे तुम्हारे तुम्हारी मर्जी कहो उसे उठाओ। आशीर्वाद है, हम पिताजी को प्रणाम करते हैं और अपनी गाड़ी थमा दे। नमस्कार पुन्ना की तरफ से, और इधर सुबह पिताजी थे, नाम तो नहीं लोग बताए लेकिन हमारे तरफ से सबको बराबर हमारी तरफ से धन्यवाद। Yeah.
फरोश अरे बस गए मोरे हमाना में अभी मजी का नाम जो कर मुखर बस गए मोरे हमाना में मजी का नाम जो कर मुखर अरे मुखर सब धर जो मेरे तर सब धर मुखर सब धर जो एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि महाराज जब से दुनिया छोड़ गए हैं ना तो खाना अच्छा लगता है ना पानी अच्छा लगता है ना रात हमारे बैठना अच्छा लगता है हमेशा महाराज की याद आती है कि अगर महाराज की दोनों बेटे हैं ना जाने महाराज जैसे राज चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे हमारी माता उनके ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे मैं सोचता हूँ दूसरे महाराज के पास चलेंगे दूसरे राज में चलेंगे तो पता नहीं इतने बढ़िया हमको मान सम्मान मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हाँ ये तो बात सही है बाबू जी। दिन रोटी कपड़ा लेट हो जाता है उस दिन राज दरबार में हमको डांट सुनना पड़ता है। महाराज अगर जीवित थे तब तक हमको कभी डांट नहीं सुनाई प्यार से बोलती चले आई सब है चले आई लेकिन महाराज के दोनों बेटे हैं राजेंद्र सिंह जाते हैं जागीर छोटे भाई महेंद्र सिंह जाते हैं स्कूल जिस दिन रोटी कपड़ा नहीं मिल पाता है उस दिन हमको डांट सुनना पड़ता है बहुत मेहनत पड़ती रात भर में। महाराज मुझसे बोल गए थे सेनापति कि मेरे बड़े बेटे राजेंद्र सिंह की शादी हो चुकी है और गांव लाना बाकी है सोच जाओ राम भरोस कि क्यों ना चला जाए महाराज राजेंद्र सिंह से अरदास किया जाए कि महाराज अगर अपना गांव ला देते तो बहुत अच्छी बात थी। महाराज जी आती अंदर काम देखती और हम लोग बाहर काम देखती चलते चलते वहां से कनक जड़ा हना यही है काम कनक जड़ा हना यही है काम बोला हतवन का उड़ गई है
क्या बात है? एक काम से आपके पास आया महाराज। कौन सा काम? सुनिए महाराज, जब से आपके पिताजी मरे हैं ये दुनिया को छोड़ गए हैं, तब से हमको और राम भरोस को बहुत मेहनत पड़ती है। राम भरोस, राम भरोस, ऐसा मर जाता है क्या बात है इसका? कि अगर तू रहेगा मैं रहूंगा तो शायद महाराज अपने घर आने से इनकार ना कर सके। तू साले घूमने जाना पड़ता है, या आपके भाई महेंद्र सिंह को स्कूल जाना पड़ता है, जिस दिन रोटी कपड़ा हम लोग नहीं दे पाते हैं उस दिन हमको डांट सुनना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ महाराज, ये आपके पिताजी बोल गए थे कि मरने के पहले, अपने मरने के पहले बोल गए थे कि मेरे बड़े बेटे राजेंद्र सिंह शादी हो चुकी है बचपन में और गंगा लाना बाकी है। मैं महाराज सोच रहा हूँ कि आपके ससुराल तक ये खबर नहीं पहुंची कि महाराज का देहांत हो गया। अगर इसी बहाने आप अपना गांव ला देते तो महाराज जी अंदर रोटी बनाती और हम लोग बाहर काम देखते, महाराज जी अंदर काम देख लेते। सेनापति, आपके कहने का मतलब है कि मैं अपना गाना लाऊं? हाँ महाराज। नहीं सेनापति, नहीं, अगर मैं अपना गाना लाऊंगा तो महेंद्र की पढ़ाई का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि अभी पिताजी का देहांत हुआ, अभी काम नहीं हुआ। इधर गौना लाने की बात कर रहे हैं, मेरे पास बस का नहीं है सेनापति। आप जानते हैं कि सेनापति को ना सुनने की आदत नहीं है, अगर आप गौना ला देते हैं किसमें हर्जा क्या है? ये आपके भाई को समय से रोटी मिल पाएगी, आपको समय से रोटी कपड़ा मिल पाएगा, जागीर में घूमने आप जाएंगे, आपका भाई स्कूल समय से जाएगा, अंदर काम भराई जी देखेंगे और बाहर काम हम लोग देखेंगे, इसमें बात क्या है? सेनापति, जितना इस राज के बारे में मुझे मालूम है उतना दोनों भाई को अभी तक नहीं मालूम है। अगर मेरी बात या आपके पिताजी कभी नहीं टाली, बगैर मुझसे पूछे कोई आगे कदम नहीं बढ़ा देगी, या आप दोनों भाई हैं तो हमारी बातों से इनकार कर रहे हैं, हमारी बातों को धिक्कार दे रहे हैं, हमारा मान सम्मान खत्म हो जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर आप अपना गांव नहीं लाएंगे तो हम और भरोस इस दरबार को छोड़ जा रहे हैं। सेनापति, 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 अगर मजबूर करते हो तो तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। ठीक है महाराज, चाहिए आप अंदर गौने की तैयारी कराइए, आपके ससुराल राम भरोस में भेज रहा हूं। राम भरोस, राम भरोस, हाहाहाहा।
पूछे तो राजेंद्र सिंह की बातों पे हंसी आ रही है। हम कहीं डांच यार कि जब तक महाराज थे तब तक हमको अपने परिवार का सदस्य समझे, अपना बेटा समझे। ये हरामजादे हैं तो महाराज के मरने के बाद हमको डांट सुनाते हैं, नौकर समझते हैं। नौकर तो हम ही हैं, लेकिन इसको ये नहीं समझ में आ रहा जितना मुझे राज के बारे में मालूम है उतना इसको नहीं मालूम है। राम नरेश, इसके पहले तुम जाओ राजनाथ सिंह के ससुराल, गाने का दिन अच्छे ढंग से रख के आओ, उसके बाद में इस साली से मिलता हूँ। जाओ 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 साले। क्या बाहु क्या है? अरे साले बाहु बाहु सिर्फ कहेगा कुछ बोलेगा। मर्दम कहा साले कहा? अगर साले को साला नहीं कहा जाएगा फिर कहा जाएगा? ये नहीं प्यार से बहनोई कहे राम नरेश हराम यादा साला दिमाग साला खराब हो जाता है। राजेंद्र सिंह सबसे पहले तुम्हारे घर आ जाए, उसके बाद अपने अपमान का बदला तुझसे जरूर लूंगा। मास्टर जी